अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़ियाज़ बलोच और आज हम अपनी गेम को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम एपिसोड 2 स्टार्ट करेंगे। तो मैप जो हम खेल रहे हैं वो है सोसनोको, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलें, तो आज मैंने फैसला किया है कि मैं एक हार्वेस्टर ख़रीदूँगा और पुराने वाले को बेच कर ऑब्वियसली नया, और मैंने जो है एक फर्टिलाइज़र भी ख़रीदना है। सबसे पहले तो हम लोग इसे बेच देते हैं, देखते हैं कि ये कितने के जा रहा है। 13,168 डॉलर का हेडर जा रहा है, ये हमने सेल कर दिया। और हमारा हार्वेस्टर जा रहा है 26,000 का। नहीं, अच्छा मैंने एक मॉड रखा हुआ है, उसे कहते हैं रिपेयर मॉड। इससे अगर आप इसको रिपेयर कर दूँ तो मैं तकरीबन 16,000 समथिंग कुछ खर्च होंगे और ये जाएगा 1,06,000 में। ओके, अच्छा 2,20,000 हमारे पास हो चुके हैं इस वक्त। मुझे दो चीज़ें खरीदनी है, एक तो हार्वेस्टर और एक और चीज़ भी है। ओके, चलेंगे हम एक कल्टीवेटर भी बेच ही देते हैं। ये लें जी, और ये कल्टीवेटर भी बेच दिया हमने। खैर अभी तो हम हार्वेस्टर नहीं खरीदते, हम खरीदेंगे हार्वेस्टर थोड़ी देर के बाद। अभी हम देखते हैं, हम चलते हैं फील्ड्स के पास ताकि हम कुछ मिशन देख सकें और कुछ पैसे कमा सकें। हम खरीदते हैं फर्टिलाइज़र, तब तक फर्टिलाइज़र स्प्रेयर और हाँ, इसकी लेंथ है 15 मीटर, इसकी है 21 और इसकी 28। चलिए हम यही खरीद लेते हैं 21 मीटर। एडिशनल टैंक हमें खरीदने की ऐसे तो कोई जरूरत है नहीं, तो हम ना ही खरीदेंगे। इससे हम अपने काम पे लगा देंगे और वो है फर्टिलाइजिंग का। अच्छा ये हार्वेस्टर मैंने इसलिए बेच दिया क्योंकि एक जो है ना इतना खास, जो उसका हेडर था वो कुछ खास बड़ा नहीं था, तो इस वजह से इसमें वैसे भी हार्वेस्टर में काफ़ी टाइम लग रही थी। तो अभी हम नेक्स्ट खरीदेंगे, उसमें देखेंगे जो हार्वेस्टर होगा वो चाहे बिल्कुल वो कम उसका क्यों ना हो पावर का, लेकिन हम उसका जो हेडर है वो बड़ा वाला ले लेंगे। चाहे उसके लिए मुझे बैंक से कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। चलेंगे
हर काम पे वर्कर हायर करना भी ठीक नहीं होता। इसलिए मैं इसको खुद ही फर्टिलाइज कर देता हूँ। उम्मीद तो है कि मैं सही जा रहा हूँ, मैंने बीच में कुछ मिस नहीं किया इस फील्ड में, फिर भी देखते हैं। चलें जी, ये फील्ड हमारा फर्टिलाइज हो चुका है, अब चलते हैं फील्ड नंबर 19 की जगह। हमारी सोयाबीन अच्छी कंडीशन में लग रही है। ये फील्ड खरीदने का मुझे तो बड़ा ही शौक है, फिर क्या करूँ, इतने पैसे नहीं मेरे पास। चलो चलो जल्दी, थोड़ी स्पीड लगाओ, पर चाकर भी स्पीड नहीं लगा सकता।
और ये फिनिश। तो मेरे ख्याल से हमें इस फील्ड में, फील्ड नंबर 23 में काम मिल जाएगा, क्यों ना इसे हार्वेस्ट कर लिया जाए और अमाउंट भी अच्छी खासी आ जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है तो सही है। चलें जी, फर्टिलाइजिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ, चलते हैं हम अपने दूसरे ट्रैक्टर की तरफ। उठाओ जी उठाओ, कि ये सोइंग मशीन मुझे और नहीं चाहिए, इसे मैं कर दूंगा सेल। ये किया हमने रिपेयर और ये किया हमने सेल। ओके, इस ट्रैक्टर को मैं यहीं रहने देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें स्टोर से खरीदनी पड़े। और हम चलते हैं अपने फील्ड नंबर, गेम को मैं सेव कर देता हूँ, देखता हूँ कि हमारी फर्टिलाइजिंग पोजीशन क्या है। ओके, फर्टिलाइज है, लेकिन प्लॉन्ग की जरूरत है फील्ड्स को। ओके, नेक्स्ट टाइम हम चलते हैं अपने फील्ड नंबर 23 की जानिब। हो सकता है हमें कुछ मिशन मिल जाए और हमें कुछ पैसे मिल जाए, ताकि हम कुछ अच्छा इक्विपमेंट खरीद सकें उससे, क्योंकि हमें भी लाजमन चाहिए, एक हार्वेस्टर चाहिए, एक प्लॉन्ग जो है वो, एक कल्टीवेटर चाहिए, एक प्लाव चाहिए, प्लाव चाहिए। और हम देखते हैं इससे, यस मिशन तो है, 44 मिनट्स एंड जो है $21,153। चलें स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टर काफी बड़ा दिया है वैसे कि इसका। ओहो, ये लीजिए जी, अब जाके अच्छा अमाउंट बना हमारे पास। तो मैं टाइम स्पीड बढ़ा देता हूँ।
वैसे क्यों ना एक जो है हम क्लीनिंग मशीन ले लें गाड़ियों को साफ करने के लिए। अच्छा ABCD टू मूव रोटेट Q एंड E टू रोटेट लेफ्ट एंड राइट टू रोटेट द कैमरा। इसको हम लोग प्लेस करते हैं बिल्कुल जी हाँ सही। चलें हमारी गाड़ी भी साफ हो जाएगी इससे। देखें जी हमारा ट्रैक्टर एकदम नए जैसा और क्या चाहिए। चलिए जरा स्टोर तक ही चल देते हैं। स्पीड मैंने बढ़ा के 120 पर कर दी है ताकि जल्दी से जल्दी रात गुजरे और हमारी फसल तैयार हो जाए हार्वेस्ट करने के लिए दोबारा से, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा काम करने को खास है नहीं इस डे में, क्योंकि हमने एक अच्छा मिशन भी कंप्लीट कर लिया, उससे भी थोड़े बहुत पैसे आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें किसी और चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए। चलें जी हम आपको भी सर्विस करके आते हैं। क्यों ना हम अपना चिकन कूप देख लेते हैं तब तक। ये रहा हमारा चिकन कूप। लाइट्स हमारी मुर्गियां आराम में। अच्छा लगता है कूद के जाना पड़ेगा, ऐसे कोई जगह नहीं है।
आधी रात को गाड़ी चलाने वाला सिर्फ हम ही। ओके, एक फील्ड तो तैयार है हार्वेस्ट के लिए, पर एक बिल्कुल भी नहीं अभी तक। अच्छा, तो हम खरीदने जा रहे हैं एक हार्वेस्टर अपने लिए, तो क्यों ना हम खरीदें हार्वेस्टर। तो ये 320 9,000, हम ये आराम से खरीद सकते हैं। चलिए ये हम स्टॉक ले लेते हैं। ओहो, अब तो हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे, लगता है उधार लेने का वक्त आ गया। ओके, ऑलमोस्ट, यस, काफी है इतने पैसे, हमने कुछ ज्यादा ही उधार तो नहीं ले ली। खैर, हमने जितनी भी उधार ली हम तो वापस कर ही देंगे भाई, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं जो आपके पैसे खा जाएं। ये है 9 मीटर और ये है 7 मीटर, 30,000, 43,000। तो मैं सोचता हूँ ये ले लेते हैं। ओके, तो ये सभी मशीन के लिए लेते हैं हम ये। अच्छा, तो इस सॉइंग मशीन से हमें एक एडिशनल फायदा जो होगा वो ये होगा कि हम विदाउट कल्टीवेशन और प्लॉइंग के जरिए, प्लॉइंग के अलावा भी अच्छा, तो इस मशीन से हमें ये फायदा होगा कि हम विदाउट कल्टीवेट फील्ड पर भी हम ये यूज कर सकते हैं। चले, ये हो गई हमारी मशीन। इसके लिए हमें एक ऑब्वियसली ट्रैक्टर को वेट्स भी चाहिए होंगे। 1500, ये रहा ये पेट। अभी तक हमारे फील्ड हार्वेस्टिंग के लिए तकरीबन तैयार। अच्छा, हमें चाहिए हेडर ट्रेलर। और इस तरीके से मिल मिला के 1,70,000 हमारे पास लोन हो गया।
वो तो ये हमारा पहला स्टेज है आगे की जानिब। चलेंगे हेलो ट्रांसपोर्ट तैयार। हमें एक और चीज़ भी चाहिए, वो है पुलाव। तो हमें चाहिए 180, 120, 2 मीटर 3। चलिए हम ये खरीद लेते हैं। कम से कम इस हार्वेस्टर की स्पीड उससे तो बेटर है। कम से कम 30 पे तो जा रहा है ये। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा हेडर ट्रांसपोर्टर के साथ, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश की। चलें जी हमारा वर्क का काम करेगा अब इस पर।
न्यूली खरीदा हुआ कल्टीवेटर प्लस सोइंग मशीन, इससे हमें एज मिलेगा और टाइम की काफी बचत होगी इससे। लेकिन ये चीजें खरीदने में तकरीबन तकरीबन 1,70,000 जो उधारी भी आ गई हमारे ऊपर, जो हमें वापस भी देनी है। खैर जल्दी ही वापस दे देंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। वैसे इसीलिए जो है फार्म तकरीबन बैंकरप्ट हो जाते हैं, वो ऐसी चीजें खरीदते हैं उधार पर और फिर उनके पैसे नहीं दे पाते। लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। ये चीज़
चले तो फिर क्यों ना इस ट्रैक्टर को सर्विस ही कर देते हैं, कोई खास काम है नहीं। वैसे मुझे ये पसंद नहीं, ये इतना छोटा है। खुद ही अपने फेस को अगेस्ट करूंगा मेरे भाई। चलो अच्छा, तो हमारा हादसा फुल होने वाला है तकरीबन तकरीबन, देखते हैं कि एंड ऑफ द लाइन फुल हो जाता है कि नहीं। चलो 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 थोड़ी देर और। ओके फुल,
क्या प्राइस जा रही है आजकल सोयाबीन की? 2,800 ग्रेन एलिवेटर के पास। ओके चलें जी, हम अपनी कॉर्न सेल करके आते हैं तब तक हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। यही ग्रेन एलिवेटर रो, रोड पर ही रहो।
चलते हैं, चलते हैं अपनी बल्ली भी सेल कर देते हैं ताकि स्टोर में कुछ ना रहे बेचारे के पास। My favorite road. Off you go. तो नहीं समझा बारूद चेंज करके देखते हैं। क्यों ना हम अपने पिग फार्म से चक्कर लगा के जाएं।
वो 18,331 डॉलर जी हमें वापस मिल चुके हैं। अब चलते हैं हम अपनी आखिरी चीज को सेल करने, अब वो होगी हमारी ताजा तरीन फसल से सोयाबीन। क्योंकि इसके थोड़े थोड़े हल्के हल्के किनारे रह गए थे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने वो खुद ही कंप्लीट कर दिया। तो मैं अपने अपना मिशन कंप्लीट कर ही लिया। आखिर हमारा हार्वेस्टिंग का जो मिशन है वो पूरा हो चुका। चले अब आपको अपनी जगह पे रख देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको करेंगे खाली। तो सोयाबीन की सबसे अच्छी कीमत कौन दे रहा है भाई? ये ग्रेन एलिवेटर दे रहे हैं। और ये जनाब कहाँ पर है? ओ ये तो नजदीक है, बिल्कुल नजदीक।
अरे नहीं, गलत रास्ते से आ गया। चले अब आ ही गए हैं तो घूम ही लेते हैं। ओ तेरी, हमारे ट्रैक्टर में इतनी पावर ही नहीं भाई। लेकिन मर मर के चढ़ी है जी। ओह, अच्छे खासे पैसे मिले। अरे ओके, सो दैट्स इट गाइस। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। तो ये एंड हुआ हमारे एपिसोड नंबर 2 का। मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।